आज की मीटिंग का ताल्लुक है। आज हम हमारी ये है कि यहाँ करना के एस करना जिससे हम ताल्लुक रखते हैं, यहाँ एक ये इलाका जो है कटा हुआ इलाका है, इस इलाके में रोज़ कोई ना कोई क्या मसाइल या ना ऐसे मसले उठ जाते हैं जिनसे हमारी आवाम परेशान हो जाती है। तो इसी सिलसिले की एक कड़ी है कि हमारा जो पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है इसने हमारा जीना यहाँ तंग करके रख दिया है, और कभी भी हमें शेड्यूल के मुताबिक हमें पावर नहीं मिल रहा है, और उस पर तुरा ये कि इसकी इन्होंने उसकी रेट्स बढ़ा दी हैं, और यहाँ से अगर रेट्स बढ़ा दी हैं तो कम से कम उस पावर को अगर इतना नहीं दे सकते हैं तो कम से कम इतना तो दे दो कि कोई वो हम उसको कभी उसको इंजॉय कर सकें, देख सकें। ये तो कभी होता नहीं है। तो सिविल सोसाइटी करना की मीटिंग जो है वो हर महीने चलती रहती है, लेकिन आज इस मीटिंग का जो मकसद था उनमें करना की आवाम जो है कुछ एक चीज़ों से मुसलसल पिछले कई महीनों से परेशान थी। लोगों की शिकायत पर अमल करते हुए हमारे इलाके करना से ताल्लुक़ रखने वाले मुअज़्ज़ज़ीन इकट्ठे हुए और इस मीटिंग में उन तमाम चीज़ों पर तबसरे हुए, और जिनमें बिजली की अदम दस्तयाबी पिछले कई महीनों से बिजली की आग मचोली जो है वो चल रही है, लेकिन हालात ऐसे बन चुके हैं आज 24 घंटों में आपको सिर्फ एक घंटा बिजली मिलती है। गुहारे लगा लगा कर हम लोग थक चुके हैं, लेकिन मुतलका डिपार्टमेंट को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो मुश्तरका तौर पर हम लोगों ने यहाँ पे फैसला लिया, हमारे बुज़ुर्ग हमारे साथ हैं, जवान साथ हैं, तो उन्होंने लिया कि बेहतर रहेगा कि रिटर्न कंप्लेंट जो है वो आला हुकाम तक पहुँचाई जाए और देखा जाए कि क्या इस बार भी हमारा जो ये जो कंप्लेंट्स हैं इन पर अमल दरामद होती है या नहीं। सिविल सोसाइटी की जो मीटिंग हुई उसमें एक इलाका करना के ज़ोमा हज़रात ने, ज़िम्मेदार हज़रात ने शिरकत यहाँ की, क्योंकि इलाका पिछले बहुत वक्त से जो है काफ़ी मुश्किलात का सामना कर रहा है, कई तरह की मुश्किलात का सामना कर रहा है, और आज जो हमारा जो मसला जो ज़ेर बहस यहाँ लाया गया वो बिजली का मसला सबसे पहले जो उसका ज़ेर बहस लाया गया, और उसके हवाले से हमने बात की, मशवरा करके इंशाल्लाह ये रिटर्न आगे पहुँचाया जाए।